नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा अब चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है। कुल मिलाकर के अभी तक चार चरणों की अगर बात करें तो 231 सीटों पर अब मतदान संपन्न हो चुका है। 202 सीटें चाहिए लखनऊ की गद्दी पर बैठने के लिए, लखनऊ में सरकार बनाने के लिए। 231 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। ऐसे में आज जब चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस मतदान में, चौथे चरण के मतदान में, अगर 2017 की बात करें तो 59 सीटों पर जहां पर आज मतदान हुआ है, इन 59 सीटों में से पिछली बार 2017 में बीजेपी को एक तरफा 51 सीटें मिली थी और वहीं पर समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, 2 सीटें बीएसपी की तरफ और 2 सीटें कांग्रेस की तरफ। लेकिन 2012 में इन्हीं 59 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 39 सीटें जीती थी। तो सवाल ये है कि इस बार जब वोटिंग हुई है यहाँ पर 59 सीटों पर और 231 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, तो आखिरकार जनता को क्या लग रहा है? क्या जनता जो है वो आपस में लोगों से सुन रही है, क्या समझ रही है और इस बार लोगों का मन क्या कह रहा है? इस बार किसकी सरकार आ रही है और अभी तक किसको कितनी सीटें देख रही है, क्या देख रहे हैं? इस बार किसको कितनी सीटें देख रहे हैं? इस बार बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा, साइकिल खूब चलेगी, बिल्कुल सबको पिछाड़ देगी। साइकिल जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। पिछली बार पूरा बीजेपी सपा का सपड़ा साफ हो गया था, 4 सीटें मिली थी 59 में से। पिछली बार और आपकी तरह बहुत फर्क है। पिछली बार क्या फर्क है? कोरोना पिछली बार आया था, पिछली बार किसी ने अस्पताल की सेवा की बात की थी। आज के मुद्दे क्या है? जिस घर में 10 में से 5 फैमिली के मेंबर मर गए हों कोविड में बिना कोई सुविधा के, तो क्या करेंगे वो? वो बीजेपी की तरफ देखेंगे भी? वो अपनी जिंदगी मेरी तरफ नहीं देखेंगे। बीजेपी का सोपड़ा साफ होना तय है और साइकिल ही आएगी। नहीं, लेकिन बीजेपी भी तो दावा करी 300 सीटें आएंगी। बीजेपी तो पहले ही वादा कर रही थी, किसी कुछ नहीं हुआ, शमशान घाट में कुछ नहीं हो रहा है। आप जो लाइन में लगा है वहाँ पर, जिसकी जो लाश वहाँ पहुँची है, सुबह जाता था शाम को जला के आता था। बीजेपी क्या कहती थी, न्यूज़ पेपर क्या कहते थे कि कुछ हो ही नहीं है, बिल्कुल सी कंट्रोल में, क्या हो रहा था? तो 59 सीटें नहीं, तो बीजेपी की बात यकीन है आपको? ये बताइए, अरे आप बताइए, आप ही मालिक हैं। बीजेपी की बात गधे की लात, बीजेपी पे जो यकीन करे उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं। अरे रुके, मैं कह रहा हूँ कि 59 सीटें हैं, आज 59 सीटों पर मतदान हुआ, कितनी सीटें लग रही है आपको? 60। 59 में से 60 कैसे हो जाएगी? 59 में 59। अच्छा, पूरी। आप बताइए क्या लग रहा है, आज चुनाव हुआ है, आपकी इधर वोट हुआ है, कितना? इस बार का चुनाव और चुनाव से बहुत अलग है। इस बार जो है इनकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी, उसमें ना युवा फंसे हैं, ना किसान फंसे हैं, ना गांव के लोग, ना देहात के लोग फंसे हैं। इस बार लोग एक तरफा होकर वोट दे रहे हैं। लोगों की मंशा ये है, लोगों के दिमाग में ये चल रहा है बीजेपी को हटाना है। वो बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि रोज़गार में ये सरकार फेल हो गई। कोविड के टाइम पे ये अपनी जो बहुत सारी गिना रहे थे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, और इस उस दौरान मैं बता दूं कि यहाँ से लेके चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, कहीं पे जगह नहीं मिली लोगों को बिना ऑक्सीजन के। कम से कम 80% अगर ऑक्सीजन की सुविधा ये देते तो 80% लोगों की कम से कम जान बच जाती है। लेकिन आप ही लोगों ने तो वोट दिया ना, पिछली बार 59 में से 51 सीटें बीजेपी को गई थी। आपकी बात सही है ना, वो क्या होता है ना, आदमी को वो तजुर्बा इसी को कहते हैं ना, इंसान क्या, उन्होंने इतने सपने दिखाए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और एक अब नया जोड़ा है नारा, वो भी इनका झूठा ही है, वो बात एक अलग है। लेकिन पिछली बार जो है जनता बहक गई थी, ध्रुवीकरण में फंस गई थी। इस बार हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बार रोजगार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। ठीक है, इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन पूरे लखनऊ में मैं दिखा दूंगा, लखनऊ के यही मैं दिखा दूंगा आपको कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप क्या देख रहे हैं, पिछली बार 59 में से 51 बीजेपी को, इस बार भाई मेरे हिसाब से 59 में 59 सफाई को मिलेंगी सीटें। दो चार सीटें, एक आध सीटें तो जा भी सकती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इतना तो सब जगह ही होगा मान, लेकिन लगभग पूरे यूपी में 300 सीटें सपा की आएंगी। हाँ। और मुद्दे इस बार अलग हो गए पहले से। पहले आप क्या देख रहे हैं? जी सर, अब की जो है सरकार मेजोरिटी से साइकिल की ही बन रही है। अब की युवा पीढ़ी, स्टूडेंट्स, युवा तो सारे मोदी योगी की तरफ जो ग्राउंड फील्ड रिपोर्ट है उस हिसाब से साइकिल मेजोरिटी से जीत रही है। और अब की बीजेपी का बिल्कुल सोपड़ा साफ होने वाला है। वो चाहे जितना जोर लगा लें, जितनी मेहनत कर लें, इस बार युवा, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे कोई साथ देने वाला नहीं है। इस बार साइकिल ही दौड़ेगी मैदान में। ये बताइए, मैं कमाल की बात है, मैं थोड़ा हैरान हूँ ये चीज़ देख करके।
मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, मैं इनका चेहरा देख रहा हूँ, इससे पहले ये भाई थे इनका चेहरा देख रहा हूँ, नौजवान वोटर, और यही वोटर जो है वो बीजेपी मानती है उसका कोर वोटर है जी। तो इस बार बिल्कुल नहीं चल रहा है क्या? हाँ, होने सर, में पर गया था, बिल्कुल चलेगा कैसे सर? उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया नहीं, कोई जॉब्स दी नहीं, बस वादे पे वादे किए गए, एग्जाम्स हो रहे हैं वो कैंसिल हुए जा रहे हैं, सरकारी है, तमाम चीजें हैं, आप सब देख सकते हैं, लोग जानते हैं कि एग्जाम हुए, गुंडागर्दी खत्म की, ये वो तमाम बातें जो कही जा रही, वो सर गुंडा राज क्या सर, जिसमें तो और ज्यादा बढ़ गया है सर। क्या कैसे बढ़ा जैसे? अरे सर, जहाँ भी आप देख सकते हैं हाथरस है, ये फलाना है, इसमें सर आप खुद ही जानते हैं कि क्या आप खुद ये सारी चीज जो है ट्रैक कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या हो रहा है? आप आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख सकते हैं सर। अच्छा, यहाँ रेप हो रहा है, बच्चे का रेप हो गया, इसका रेप हो गया सर, मार दे रहे हैं, कोई जा रहा है लाठियों से मार मार के पीटे दे रहे हैं सर, तो सर किसानों पे गाड़ी चलाई जा रही है। आप बताइए क्या देख रहे हैं, युवा तबका आप लोग क्या देख रहे हैं इस बार? इस टाइम हम लोग जो है बदलाव देख रहे हैं। क्या बदलाव? बदलाव ये रहेगा कि कोई दूसरी भी पार्टी आए, बीजेपी नहीं आएगी अब की। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है बहुत कायदे से, हर 59 सीटें हैं, 51 सीटें पिछली बार बीजेपी, इस बार बस शून्य है, बीजेपी समझिए शून्य है, बहुत कम से कम आपकी जनता को। ये तो शहरी क्षेत्र है लखनऊ, और शहरी में बीजेपी मजबूत होती है, मजबूत थी, अब नहीं है। अब जनता जो है जो वोट डालेगी, बेरोजगारी पे वोट डालेगी, नौकरी पे वोट डालेगी, है ना, ये हिंदू मुस्लिम आतंकवाद पाकिस्तान सब खत्म। अच्छा ये बताइए, युवा जो खुल के बोल रहा है कि दब रहा है आप? ये खुल के बोल रहा है युवा, हमको नौकरी चाहिए, हमको जो है हॉस्पिटल चाहिए, हमको कॉलेज वगैरह चाहिए, अब ये हिंदू मुस्लिम और ये आपस में दंगाई सब खत्म। ये आप क्या देख रहे हैं इधर इस बार? इधर भैया हम साइकिल ही देख रहे हैं चलती हुई बस। अच्छा, कमल तो फूल। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं ये? क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है नाके पे। अच्छा, और बताइए आप, आपको लग रहा है कि मतलब चलने वाला नहीं है कुछ भी बीजेपी? नहीं भैया, बीजेपी नहीं चलने वाला है। आप क्या देख रहे हैं जी? अब की बार साइकिल धुरहाटे काट रही है पूरी तरीके से, और जहाँ तक हमको भी उम्मीद है कि अब की बार अखिलेश भैया पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। आप कोई कार्यकर्ता है जुड़े हुए पार्टी से? क्या? नहीं नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम तो एक आम आदमी है। अच्छा, जो वैसे सपोर्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल, बेरोजगार हैं। मैं ये पूछ रहा था इन सब लोगों से, पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ लेता हूँ, युवा वोटर जो है वो बीजेपी मान करके चलती है, उसकी रीढ़ की हड्डी है जी। क्या इस बार नहीं है, युवा साथ नहीं है? बिल्कुल भी साथ नहीं है, बिल्कुल भी साथ नहीं है। युवा के ऊपर लाठियां चल रही हैं, युवा को मारा जा रहा है बीजेपी से। अगर आप कहिए अपने बयान से, पाकिस्तान हटा लो, खालिस्तान हटा लो, कब्रिस्तान हटा लो, उसके अलावा उनसे कहिए बोल के दिखाओ, हम उनको चैलेंज करते हैं, वो बोल के दिखाएं इस और मामले पे, विकास के मामले पे बहस करके दिखाएं, 7 साल का बच्चा उनको हरा देगा बहस में। आपने पूछ पे पैर रख दिया है? जी बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी पे पैर रख दिया, पूंछ तो फिर भी बहुत पीछे होती है, रीढ़ की हड्डी पे पैर रख दिया। एग्जांपल देखिए आपकी, जिस जगह पे आप खड़े हैं, तो ये जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं किसकी सरकार में हुआ है? आप किसी से पूछ लिए किसने कराया ये सब? अखिलेश ने कराया। उसके बाद यहाँ हर एक वोट पे यहाँ पर टीवी लगे थे, एडवर्टाइजमेंट होता था वहाँ पर आपका फाउंटेन पार्क। ये बताइए, हम लोग लखनऊ भी घूम रहे हैं, बाकी भी घूम रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी का काम लखनऊ में दिखता है, अखिलेश का काम लखनऊ में दिखता है, योगी का काम लखनऊ में नहीं है। क्या सच में कुछ नहीं हुआ लखनऊ में? लखनऊ में कुछ नहीं है, लोगों को मारने का कुछ नहीं हुआ योगी की सरकार में, कुछ नहीं हुआ। हम पैर रखो, कोई नया काम नहीं, कोई काम नहीं। एक काम हुआ भाई साहब, एक काम हुआ है, जो हमारे पुराने दोस्त थे हिंदू, हमारे भाई जो हमारे पुराने दोस्त थे, जी जी हम मुस्लिम हैं, मेरे हिंदू भाई जो पुराने मेरे दोस्त थे, पहले ये मामला था, वो हमारे घर ईद में आते थे, सिवाई खाते थे, हम उनके घर में दिवाली में जाते थे, गुजिया खाते थे। अब ये सीन हो गया ना, वो हमको दिवाली में बुलाते हैं ना हमारे घर में ईद में आने में पसंद, वो मजा लेते हैं उसमें, ईद की सिवाई का उनको कोई मजा नहीं, वो हमारे घर आना पसंद भी नहीं करते। ये हुआ, ये फर्क हुआ है बीजेपी के आने से। ये तो फिर 19 में भी रहा था, 19 में तो, लेकिन ये नहीं चला। जी जी है भाई साहब बिल्कुल, फिर 19 में तो नहीं चली नहीं ये बात आपकी जो कह रहे हैं आप। नहीं नो, असल में मसला ये है ना, अभी चीफ मिनिस्टर यहाँ का बाबा जी बने हुए, उसकी वजह से सारा मामला हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी से ज्यादा खतरनाक योगी इस मामले में? आपको नहीं, नहीं, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अच्छा। अलग अलग हैं दोनों, एक थोड़े से जो है प्रोफेशनल टाइप के बने हुए, एक पूरी तरीके से गोली से मार। 2019 में भी तो ये सेम बातें रही ना, आप जो कह रहे हैं बातें, वो तो 2014 से अगर वाले उसकी शुरुआत हुई, फिर तो 2019 में फिर कैसे जीते? 2019 में कैसे जीते? अच्छा ये मोदी जी, तो जाहिर सी बात है वो युवा को भड़काते हैं, दूसरी तीसरी बातें करते हैं कि हिंदू खतरे। बात तो मैं कह रहा हूँ, युवा फिर नहीं, अभी उनकी तरफ नहीं है क्या? तो वो इस तरीके से हिंदू हमारे भाई जो मेजोरिटी में ज्यादा है उनको भड़काते हैं,
क्या क्या कह रहे हैं आप? पहले थे, अब नहीं है युवा, कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी युवा नहीं है साथ में। आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं? हमारे बच्चे कहते भैया हमें तो पढ़ाई लिखाई चाहिए, अब होना ही नहीं इसमें। सिंपल बात है भैया, होना नहीं है। क्या नहीं होना है भाई? मोदी सरकार में उन्होंने सारा बेकार करवा दिया, ऐसी ऐसी करवा दिया। जितने बेरोजगार बैठे सारे युवक जो पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सब खाली बैठे हुए, वो क्या करेंगे? क्या वो गोली मार देंगे आकर के, या वो आ रोजगार दे देगा? वो कोई नेता रोजगार, ये कहने के बाद सब जुमले में। जनता अब जाग चुकी है, अब ये कोई, अरे जनता भूल जाती बहुत जल्दी। नहीं नहीं, अब भूलने वाली नहीं है, भूलने वाली बात ही नहीं कोई। 2014 से 2022 हो गया, अब जनता बहुत सतर्क हो गई है। ये जो बात राशन की बहुत उठ रही है कि राशन दिया, नमक खा लिया, नमक हरामी नहीं होगी। भैया सबसे पहली बात है कि वो उसने मुझे एक दो किलो गेहूं देने में क्या होता है? मोदी जी कह रहे नमक खाया, नमक हरामी क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ अखिलेश आ रहा, राशन 2 किलो गेहूं देने में क्या होता है ये बताइए? 2 किलो राशन में पूरा महीना खा लेगा, पूरा घर खाएगा? दे रहे हैं ये राशन, दे कहाँ से रहे? ये सब आवाम का पैसा है, ये टैक्स हमसे ले रहे हैं, उससे राशन दे रही है, अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। है पेट्रोल में लंबा टैक्स ले रहे हैं, पहले नमक किसने में लंबा टैक्स ले रहे हैं, समझे आप? उससे पहले नमक किसने बांटा था? सब सरकारों ने, बस उससे पहले हमको उससे बड़ी चीज मिली, रोजगार मिला था, अब तो वो भी छिन गया। नमक हमें भले ना दो, हमें रोजगार दे दो, बस हम नमक अपने आप खरीद लेंगे। वो कह रहे नमक आपने खा लिया, नमक हरामी करोगे जी? जो गरीब जनता ने नमक खा लिया, तो उसने उसने बेचारे ने अपने पैसे का नमक खाया ना, इन्होंने कोई अपनी जेब से तो नहीं दिया ना। आप मेरे पास बोलिए भाई, 5 साल 10 साल बैठे मेरे पास, हम उसको गेहूं और नमक खिलाते रहेंगे हमेशा। योगी रात को आप अपने घर से खिला देंगे? हाँ, अपने घर से खिलाएंगे। जो बेरोजगार होगा उसको अपने खेत में पैदा करके उसको खिला देंगे। और 5 साल वो तो 5 साल खिला रहा, हम उसको 15 साल खिलाएंगे, बोले साथ आने के लिए। ये गारंटी के साथ लिया आप लोग नमक? अरे भैया हम नमक हरामी नहीं कर रहे अभी, उन्होंने 5 साल हमें नमक खिलाया, ठीक है मान लेते हैं। भैया आप मेरे साथ 15 साल खाओ, हम आपको नमक भी खिलाएंगे, तेल भी खिलाएंगे, चने भी खिलाएंगे। कहाँ से लाया था नमक? कहाँ से लाया था? कौन? नमक किसके पैसे का था? कौन कौन जिसको तुम बता रहे हो नमक हला वो करेंगे हम लोग? किसके पैसे लाए था नमक? नमक तो हम जनता ही का था, जनता के पैसे का, जनता का टैक्स। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम तो बहुत समझ रहे, लेकिन आप बताओ उल्टा क्वेश्चन का पूछ रहे हो? उल्टा क्वेश्चन का पूछ रहे हो? ये बताओ, आप थोड़े लेट आए हो, बैठे रुको रुको, हम क्या पूछ रहे? थोड़ी देर सुनो फिर रुको, आप थोड़ी देर रुको फिर बात करते हैं, आपको भी लगेगा हम सही कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जितना लोगों के अंदर 2014 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में, अब जो है वो बीजेपी का डाउनफॉल हो रहा है कि कैसे? डाउन तो समझ लो कि ये समझ लो कि आप 1% भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है आज की स्थिति के अनुकूल। 1% क्या? एक सीट भी आ जाए उनकी तो बहुत बड़ी बात है। 59 में से ये कंडीशन में आके फंसी हुई गाड़ी उसकी है। और आने वाला टाइम में जो लोकसभा चुनाव होगी ना, उसमें देख लेना आप जो उनके क्या गता होगा। अच्छा तो आपको लग रहा है योगी हार जाएंगे? बिल्कुल हार गए भाई, हार नहीं जाएंगे, हारने वाली बात नहीं है, वो समझ लो उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। इसका नमूना ये है कि उनको मठ में पहले ही से भेज दिया गया है, उनको पहले ही से मठ में भेज दिया गया है जी, बिल्कुल पहले से वो मठ में, पहले ही से उनके मोदी जी ने तैयारी कर दी है कि प्रधानमंत्री के मटेरियल है। अगर वो अखिलेश भैया ने सही कहा है, अगर वो जो है दोबारा सीएम बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, वो इसलिए उनको पहले ही से मठ में भेज दिया गया। प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं आप, मुख्यमंत्री से आ रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर मोदी जी को वो टक्कर देंगे, हो सकता है मोदी जी को हटाना पड़ जाए वहाँ से, खतरा हो गया सीट का। आने वाला मसला ये गोरखपुर भेज दिया, अब वो वहाँ से भी हर जाएंगे। अच्छा ये हिंदू मुस्लिम वाला बिल्कुल नहीं चला भाई साहब? हिंदू मुस्लिम जुमला जो भी था ना, हिंदू मुस्लिम का जुमला जो भी था, ये सारा युवक ने खत्म कर दिया इनको। और कितने करीब 60-65 ऊपर जो भी बुजुर्ग है ना, उनने भी उठा के फेंक दिए इन बातों को भाई, इसमें कुछ नहीं है। ना बुजुर्ग है, ना नौजवान है, ना आप जैसे जो मिडिल, बस कोई भी नहीं है, कुछ अनभक्त हैं, उनसे कहानी चलनी पाएगी अब इसमें, उनसे कहानी चलनी पाएगी। आदमी है जो कि उनके साथ सपोर्ट में है, अन्यथा कोई भी नहीं है। देखिए सवाल यही है कि 59 सीटों पर आज मतदान हुआ और टोटल 231 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, और लखनऊ में भी आज मतदान जो संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बार जो लोगों की रुझान दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद बदलाव होगा। लेकिन सवाल ये है कि जितनी जनता यहाँ पर बातें बोल रही है, क्या वही बातें जो है वो नतीजों में भी दिखेंगी, या नतीजे कुछ और रहेंगे,
या कई चीज़ें हमें ऐसी भी दिन में देखने को मिली ग्राउंड रिपोर्ट में कि कई जगह पर जो है वो नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से, वो भी एक समस्या देखने को मिली। दूसरी चीज़ ये देखने को मिली कि कई सारी जगह पर लखीमपुर खीरी में जो है वो ईवीएम मशीन 2 घंटे तक काम नहीं कर पाई। ये मुद्दों की वजह से जो है क्या जो नतीजा है जो जनता यहाँ पर बोल रही है क्या उसके उलट नतीजा होगा या जनता जो यहाँ पर बोल रही है वही नतीजा होगा? तो सवाल यही है और इस सवाल का उत्तर जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इस सवाल का उत्तर असली में 10 तारीख को मिलेगा, लेकिन धीरे 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 इसी तरह से लोगों का जो मूड है, मिजाज है, वो लोगों को पता चल रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है और इसी तरह से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। अलग अलग विधानसभाओं में, शहरों में, कस्बों में जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है, कितना हिंदू मुस्लिम चला है इस बार, कितना मुद्दे चले हैं और लोगों ने इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।